गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे साथ है रागिनी सोनकर मैम, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज से। सो मैम, आपका पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूँगा, मतलब क्या इंटरवेंशंस और अप्रोचेस इस्तेमाल करी जाते हैं जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज में? क्या एक्स्ट्रा करिकुलम किया जाता है ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट्स को? सर, यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम में स्लाइड से क्लास लेते हैं अपन, जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और उनको अच्छे से प्रॉपर समझ भी आता है, उनके लिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहता है। एक पिक्चर्स के थ्रू वो देखते हैं तो उनसे उनको क्लियर हो जाता है जो भी डाउट्स रहते हैं वो सारे चीज़। या अपन वीडियोज़ वगैरह भी शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मुझे यहाँ का एक्स्ट्रा करिकुलम लगा। ओके मैम, और आपको ऐसी क्या लगती है इंस्टीट्यूट की खासियत जो औरों को नहीं पता बाहर, आप बताना चाहेंगी? सर, एक तो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगा, और सर यहाँ पे वैसे मैक्सिमम सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छा जी। ओके मैम, आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? सर, स्ट्रेंथ में सबसे पहले तो यहाँ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यहाँ का जो एजुकेशन है वो गुड क्वालिटी है। यहाँ की जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, वो एकदम वेल क्वालिफाइड है एंड कोऑपरेटिव टीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, आप क्या ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज देखती हैं जो कोई हायर एजुकेशन लेने आया स्टूडेंट्स जनरल में भी और जगत गुरु शंकराचार्य कॉलेज में भी? सर, वैसे तो हायर एजुकेशन में मेन फाइनेंशियल का इशू रहता है सर। ओके मैम, ठीक है। और एनी सजेशन देना चाहेंगी आप यूथ को जो एस्पायर करे स्टूडेंट्स को? सर, सबसे पहले तो कीप योर गोल इन माइंड, मतलब उनको अपना एक गोल अपने माइंड पे सेटअप करना चाहिए सबसे पहले, देन उनको उस गोल के अकॉर्डिंग वर्क हार्ड उनके लिए रहना चाहिए, तब वो चीज़ को वो अचीव कर पाएंगे। देन अपना एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए ताकि उस चीज़ को अपन पा सकें, जो उनका गोल है उस चीज़ को अपन अचीव कर सके। देन उनके लिए वो एक नोट्स प्रिपेयर रहना चाहिए उनके पास, जो उनके लिए ईजी रहेगा। देन उनको अपने में एक बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, इस टाइप का। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, वेलकम।